हेलो फ्रेंड्स, द ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप। मैं इस स्टोरी को आप लोगों के लिए हिंदी में भी समराइज करना चाहूँगा। एक्चुअली फ्यू फ्यू पीपल आस्क मी टू डू सो। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इसे हिंदी में भी बता दीजिए, तो लेट्स डू दिस। ये एक्चुअली सीरियलाइज्ड एक सीरियल की तरह इसे प्रिंट किया गया था अप्रैल 1840 और नवंबर 1841 के बीच में। विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड बहुत ही एक तरह से नॉवल का एज ऑफ नॉवल भी बोला जाता है इसको। एज एंड एज ऑफ प्रोज भी बोल सकते हैं आप, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी बोला जाता है इसको। तो उस टाइम पे चार्ल्स डिकेंस ने इसे लिखा था, और फाइनली जो ये बुक के रूप में पब्लिश हुई थी 1841 में होती थी। ये जो स्टोरी है वो नेल ट्रेंट और उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी है। नेल ट्रेंट जो है वो 14 ईयर्स की है और ब्यूटीफुल है, वर्चुअस है। मीन्स उसके अंदर अच्छे गुण हैं। ऑर्फन है, तो उसके कोई दोस्त भी नहीं है। उसका एक सिंपल एक दोस्त है, उसका नाम है किट, जो कि उसी शॉप में काम करता है, उनकी शॉप में, नेल और ग्रैंडफादर की। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। दो तीन पार्ट में मैं इसे समराइज करने की कोशिश करूँगा कि जैसे अगर हम नेल ट्रेंट के बारे में इतना हमने जान लिया, अब जानते हैं ग्रैंडफादर के बारे में। ग्रैंडफादर जो है वो नेल ट्रेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए गैम्बलिंग करता है। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, और राइट कार्ड्स खेलना, तो कार्ड्स या गैम्बलिंग के लिए गैम्बलिंग करता है। लेकिन क्या होता है कि वह है जो एक इंसान है डेनियल क्विल्प, इस कैरेक्टर के से पैसे उधार लेता है। लेकिन ये बहुत ही इविल है, बुरा इंसान है। वो क्या करता है कि लास्ट में पैसे तो होते नहीं है ग्रैंडफादर के पास में, लेकिन फाइनली क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की शॉप भी चली जाती है, वो धोखे से शॉप भी ले लेता है। अब जो नेल और ग्रैंडफादर हैं, उन दोनों को वहाँ से इविक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है शॉप से। वो मिडलैंड ऑफ इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहाँ जाके वो बैगर्स बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं। राइट, तो उनका मिजरेबल टाइम शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा पहले से ही गरीब थे। जो किट है उसका दोस्त, वो पहले, और राइट ये पहले की स्टोरी है एक्चुअली। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दूसरी है। तो यहाँ से हम देखेंगे किट जो था वो पहले भी उसकी मदद करता था और एक ऑनेस्ट बॉय है। लेकिन क्या होता है कि डेनियल क्विल्प, जो कि वो बुरा इंसान, वो किट को भी उस शॉप से निकाल लेता है। अब वो तो चले गए हैं मिडलैंड। और जो किट है वो कहाँ चला गया है, वह है एक मिस्टर गार्लैंड है, कोई मिस्टर गार्लैंड है, मिस्टर गार्लैंड के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। बाद में पता चलता है कि जो मिस्टर गार्लैंड है वो ग्रैंडफादर के ही छोटे भाई है। अब यहाँ से जब वो यहाँ पर मिजरेबल दिन गुजार रहे हैं अपने अपना, उस टाइम क्या होता है कि जो नेल है उसका एक एक भाई है, काइंड ऑफ ब्रदर यू कैन से, कजिन उसका पता चलता है। वो एक डिक स्विवलर है, डिक स्विवलर को कहता है कि तुम उससे शादी कर लो, नेल से शादी कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि वो सोचता है कि उसके पास में बहुत सारा धन है जो कि डिक स्विवलर को मिल सकता है बाद में। अब डिक स्विवलर कन्विंस्ड हो जाता है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है नेल से। किस लिए? क्योंकि ही थिंक्स दैट ही हैज गॉट शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन उसे फॉर्च्यून मीन्स उसके पास बहुत सारा धन है। इस बात के लिए वो डेनियल क्विल्प से भी जाके मिलते हैं। डेनियल क्विल्प उन लोगों को सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता है कि वो मज़े लेना चाहता है। नेल की जो मिजरी है, बुरे दिन है, उनको देखकर वह मज़े ले रहा होता है। तो वो एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर ब्रास। मिस्टर ब्रास का ही जो निक नेम है वो मार्चियोनेस है, MARCHIONES है। वह है उसको मिस्टर ब्रास को इन दोनों के लिए ही कीप्स देम टू हैव एन आई ऑन डिक स्विवलर और फ्रेडरिक, इन दोनों को देखने के लिए, कि इनका ध्यान रखना उसके लिए मिस्टर ब्रास को रखता है। लेकिन जो मिस्टर ब्रास है वो डिक स्विवलर का दोस्त बन जाता है। फाइनली जो स्टोरी है वो ऐसे चलती जाती है, और जो नेल है एक्चुअली वह इन परिस्थितियों में बहुत कमज़ोर हो जाती है और बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। फाइनली वो मर जाती है। जो क्विल्फ है वो भी इनका पीछा करते करते मर जाता है,
और बीच में इसके बीच में स्टोरी में ये भी होता है कि जो क्विल्प होता है वो किट को दोषी भी बनाता है, लेकिन जो मिस्टर ब्रास है ये एक्चुअली एक वकील होता है, ये इसको बचा लेता है, किट को बचा लेता है, लेकिन क्विल्प मर जाता है। ओके, और जो ग्रैंडफादर है वो नेल जब मर जाती है तो ग्रैंडफादर पहले से ही मैडनेस में होते हैं, पागलपन में होते हैं, तो जब नेल मर जाती है तो उनके दुख में बैठे बैठे वो सोचता है कि वो सोचते हैं कि वापस आ जाएगी नेल, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ग्रैंडफादर भी मर जाते हैं। ओके, तो ये इसकी स्टोरी है शॉर्ट में। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी, और आप लोगों को इस स्टोरी पसंद आई होगी। और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है लाइक नेल ट्रेंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का कोई नाम नहीं है, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ही है। ओके, और जैसी डेनियल क्विल्प है, किट है, और डिक स्विवलर है, और मिस्टर ब्रास है, और मार्चियोनेस है। ओके, इनके नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे इस स्टोरी को सुनने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियोस को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू शेयर इट विल सपोर्ट मी। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।